पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, जिस पे कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि उस पे मैं वीडियो बनाऊँ। और काफ़ी जो मॉम्स हैं उनके क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि मैम, बेबी के प्राइवेट पार्ट क्लीन करने के लिए वाइप्स अच्छे हैं या हम कौन से ब्रांड को यूज़ करें अपनी बेबी को वाइप्स करने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको बेबी वाइप्स के ऊपर ही वीडियो बनाऊँगी और उसके बारे में बताऊँगी कि आप कौन सा यूज़ कर सकती है। मैं अक्सर कौन सा यूज़ करती आ रही हूँ अपनी बेबी के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करा करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप क्लिक करिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास इमिडिएटली पहुँच जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो बेबी वाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ जॉनसन का बेबी वाइप्स, जॉनसन बेबी स्किन केयर वाइप्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको कम्प्लीटली रिव्यू बताऊंगी और कैसे यूज़ करते हैं, कब कब इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये मैं आपको बताऊंगी अपने लिए, पर्सनली मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ अपनी बेबी को, लेकिन मैं इसको रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, ये आपको मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को रेगुलर यूज़ करने से बेटर है कि बच्चे को नेचुरल तरीके से रखें। जैसे अगर मैं घर पर रहती हूँ तो अपनी बेबी को मैं कॉटन के कपड़े से ही उसको वाइप करती हूँ। मैं बात कर रही हूँ बेबी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जैसे सुसु है, पॉटी, जब भी बच्चा कर लेता है तो आप बच्चे को पानी से ही साफ़ करें, पानी से ही उसकी क्लीनिंग करें और कॉटन के कपड़े से ही पहुँचें। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप जब कभी कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो या फिर आप कहीं अपने रिलेटिव्स में हो, कहीं घूमने के लिए गए हो या फिर आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेन में हो, बस में हो, ऑटो में हो या कार में हो, आपके साथ आपका बेबी है और बेबी का पता नहीं रहता कब वो सुसु कर ले, कब वो पॉटी कर ले, बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं बेबी के साथ। बच्चे ने खाना खाया है, सपोज़ आपके पास हैंकी नहीं है, बच्चे का बहुत ज़्यादा मुँह गंदा हो गया, बच्चे के मुँह पर डस्ट लग गई है या फिर आप को अपना मेकअप रिमूव करना है, आप भी अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हर तरीके से आपके लिए, आपके बेबी दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो ये है जॉनसन का बेबी वाइप्स। तो इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं इसे परचेज़ करने की, तो आप इसको लेके आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बेबी के लिए। तो यहाँ पर एक स्टिकर सा लगा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है ओपन, और आप इसको इस तरीके से, देखिए मैंने ओपन करके दिखाया है, आप इसको ऐसे ओपन कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ओपन करने के बाद आप इस स्टिकर को पूरा मत छुटाएं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट वाइट सा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एक वाइप्स बाहर निकला हुआ है, तो आप इसको यहाँ से निकाल सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, नमी है इसमें, और निकालने के बाद आप इसे इमीडिएटली इस तरीके से बंद कर दें। ठीक है, अगर आप इसको निकाल दोगे तो इसमें जो जितनी भी वाइप्स हैं उनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो सूख जाएंगे और इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें जब भी आप इसका जो कवर आप हटा रहे हो, हाफ ही हटाएँ और निकालने के बाद उसको इमीडिएटली बंद कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ओपन और बंद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो मेन क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सोप फ्री है, अल्कोहल फ्री है, और इनको डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया हुआ है, तो इस तरीके से आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, कोई सोप नहीं है, तो बच्चे की स्किन के लिए ये सेफ़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जब भी आप इसको यूज़ करोगे तो कोई इतनी मतलब गंदी सी या बहुत हाई इसकी जो फ्रेग्रेंस नहीं है, लाइट फ्रेग्रेंस है, और थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही गायब हो जाती है। तो ऐसे आप ना टेंशन लें कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, बच्चों के लिए ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, आप जब यूज़ करोगे तो बहुत लाइट फ्रेग्रेंस आप फील करोगे और वो भी कुछ समय बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाएगी, आपको नहीं लगेगी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है,
साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि एडवांस्ड फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क लाइक अ स्पंज, ये स्पंज की तरह आप इसको हाथ में लोगे तो आपको स्पंज जैसा फील होगा। देन होल्ड स्टिपलेट वेट ऑफ मॉइस्चराइजिंग लोशन, इसमें एक वाइप्स में कम से कम 3 गुना मॉइस्चर लोशन है, ठीक है। तो बताओ आप जब अपने बच्चे के स्किन पर लगाओगे तो आराम से बच्चे की स्किन में नमी बनी रहेगी, कोई ड्राइनेस नहीं रहेगी। दूसरा, मेड विद अल्ट्रा फाइन फैब्रिक, अल्ट्रा फाइन फैब्रिक का ये बना हुआ है, तो ये इसके काफ़ी अच्छे यूजेस थे। और इसमें बताया गया है कि ये यूजेबल क्लोथ वाइप्स है, जिसमें कि 20 कितने निकलेंगे, इसमें 20 निकलेंगे, 20 वाइप्स निकलेंगे, जो कि काफ़ी है एक महीने में। अगर आप इतना ट्रेवल नहीं कर रहे हो या आप इसको एक बार अगर परचेस कर रहे हो तो आराम से ये आपका 1 या 2 महीना चल जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी खुद की, तो अगर आप डेली मेकअप यूज़ करते हो या डेली मेकअप लगाते हो, तो उसको रिमूव करने के लिए आराम से आपके ये 20 डेज तक ये चल जाएगा। इसका बड़ा पैकेट भी आराम से आपको मिल जाएगा, और इसकी जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ है। तो ये मुझे 75 रुपीज़ का मिला है, तो इसकी जो प्राइस है 75 का है, और ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल सकता है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हो तो इसका मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ भी ईजी लगता है वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अभी रिसेंटली एक मेरी मैं घूमने गई हुई थी, तो ये मैंने अपने पास रखा था, और आप यकीन नहीं मानोगे काफ़ी, कभी कभी बच्चे के हैंड गंदे हो गए हैं ऊपर से, या बच्चे का फेस गंदा हो गया है, तो आप आराम से इससे उसके फेस को वाइप कर सकते हो, नेक एरिया को पहुंच सकते हो, ठीक है। जैसे बच्चे ने यूरिन कर ली है, तो बच्चे को, मैं अपनी बेबी को हमेशा जब भी वो यूरिन करती हूँ तो मैं उसको ज़रूर क्लीन करती हूँ, ताकि वहाँ बदबू ना रहे, दूसरी चीज़ बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। अगर बेबी पॉटी कर लेता है तो आप आराम से पॉटी वाले एरिया को भी अच्छे से इससे क्लीन कर सकते हो। सेम अगर आप अपने बच्चे का डायपर रिमूव कर रहे हो, डायपर हटा रहे हो और पानी नहीं है, या फिर आप ट्रेन में हो, जहाँ कहीं भी हो, आप अपने बच्चे को ट्रेन वाले वॉशरूम में नहीं ले जाना चाहते हो, तो आप डायपर हटाने के बाद इस वाइप से बेबी की डायपर एरिया को क्लीन कर मॉइस्चर लगाने की वजह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें इतना मॉइस्चर रहता है, तो आप इससे क्लीन कर बेबी को डायपर पहना सकती हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसके एक वाइप्स को यूज़ कर रहे हो उसके फेस पर, तो सिर्फ फेस पर ही यूज़ करें, ठीक है। अगर आप उसका जो बेबी का जो डायपर वाले एरिया पर वाइप्स को यूज़ कर रहे हो, तो उसको और कहीं यूज़ ना करें, सेपरेट जगह पर सेपरेट यूज़ करें। ये नहीं कि आपने एक वाइप्स ले लिया और उससे ऑल ओवर बॉडी उसकी पहुँच दिया, मुँह पहुँच दिया, या उसके पूरा बैक पहुँच दिया, या उसका स्टमक पहुँच दिया, नहीं, एक जगह पर एक ही वाइप्स यूज़ करें, ताकि किसी भी प्रकार की एलर्जी या इन्फेक्शन बेबी को ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, ये स्पेशली तभी आप यूज़ करें जब आप कहीं बाहर हैं, किसी रिश्तेदारी में, ट्रेन में हैं, या फिर आप कहीं घूम रहे हैं, तो आप अपने पर्स में इसको रखें, ताकि आपको दिक्कत ना हो जब बच्चा आपका सूसू या पोटी करता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसे डेली यूज़ करना चाहती हैं तो डेली यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि डेली यूज़ ना करें। अगर घर पर हैं तो आप बच्चे को नेचुरल तरीके से क्लीन करें, पानी से और कॉटन के कपड़े से, इसको आप बाहर के लिए ही रहने दें, ठीक है। तो मेरा तो यही हमेशा रहा है कि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तभी इसको यूज़ करती हूँ, घर पे इतना मैं यूज़ नहीं करती। या फिर जब कभी भी मैं कोई हैवी मेकअप लगाती हूँ, हालांकि मुझे आदत नहीं हैवी मेकअप करने की, बहुत लाइट मेकअप ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो पार्टी हो, चाहे किसी भी प्रकार का ओकेजन हो या फंक्शन हो, तब मैं इसको अपनी लिपस्टिक रिमूव करने के लिए, फेस पर से डर्ट या गंदगी हटाने के लिए, या फिर काजल वगैरह निकालने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो अगर आप मेकअप, हैवी मेकअप यूज़ करते हो, तो ये आराम से आपका मेकअप निकालने में आपकी हेल्प करेगा और आपकी जो स्किन को मॉइस्चर देगा, ठीक है। तो आई होप मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझा दी हो, ठीक। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जॉनसन बेबी का स्किन केयर वाइप्स है। इस अगर आप ये नहीं यूज़ कर सकते तो आप मम्मा अर्थ का भी ले सकते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन मैंने यही यूज़ किया है तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का परचेज़ कर सकते हैं, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी कि आप जॉनसन बेबी का ही परचेज़ करें, ठीक है। तो आई होप बेबी वाइप से संबंधित या रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी हो। ये 75 रुपीज़ का है, ठीक है, 20 इसमें निकलते हैं। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, बेबी को सेफ रखिए, और अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे।